अनकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट माय 621 असाइनमेंट नंबर 1। फर्स्ट वी सी द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस असाइनमेंट, देन वी स्टार्ट। मैथ 601 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021। और टोटल जो मार्क्स हैं इसके वो 20 मार्क्स हैं और इसके जो लास्ट डेट है वो 29 है। डोंट मिस दिस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। यानी सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लें असाइनमेंट अटैम्प्ट करने से पहले। इस असाइनमेंट्स में आपके कितने लेक्चर कवर हैं? आपके इस असाइनमेंट में लेक्चर 1 to 10, यानी आपने 1 से 10 तक जो भी आपने इसमें क्वेश्चन किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS। LMS के ज़रिए अपनी असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है, आपने ईमेल के ज़रिए सेंड नहीं करनी। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ द सोल्यूशन फाइल, यानी आपने अपनी ID राइट करनी है सोल्यूशन फाइल के सबसे ऊपर। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल, आपने अपनी सोल्यूशन फाइल में कलरफुल बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करना है। यूज़ मैथ टाइपर इक्वेशन और इक्वेशन एडिटर, आपने मैथ टाइप से भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं या आप वर्ड से इक्वेशन को भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट की फाइल आप सबमिट करवाते हैं तो उसका आपको 0 marks मिलेगा, इससे बेहतर है कि आप अपनी फाइल खुद प्रिपेयर करें। और जो आपने असाइनमेंट फाइल सबमिट करवानी है वो वर्ड फाइल में होनी चाहिए, ना ही PDF या स्कैन इमेज फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे स्टूडेंट में आपको 0 marks मिलेंगे। इस असाइनमेंट के हमारे पास 2 questions है। फर्स्ट, फॉर व्हाट इंटीजर n इज, यानी हमारे पास n जो है वो एक इंटीजर है। यहाँ पे हमारे पास 1/n ग्रेटर देन 8n/2n फिक्टोरियल। प्रूव योर आंसर बाय इंडक्शन, आपने इंडक्शन को यूज़ करते हुए अपने आंसर्स को प्रूव करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव बाय द कॉन्ट्राडिक्शन डेट √15 इज इरेशनल नंबर। आपने यहाँ पे प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन से कि √15 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ कि हम इंडक्शन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन राइट किया, 1/n^8/2n। लेट n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हमने सपोज किया जो n है वो 1 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास n होगा वहाँ पे हमने क्या पुट करने, 1 पुट करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, 1/1 हो गया, तो ये हमारे पास 8/2। तो ये हमारे पास जब हमने इसे सॉल्व किया 8/2 को, तो ये हमारे पास 1 > 4, जबकि हमारे पास 4 > होता है, 1 नहीं होता, तो ये हमारे पास रॉन्ग आ गया, विच इज़ नॉट ट्रू, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। इस तरह से आपने चेक कर लेना है। एन की जगह आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3, 4, मतलब जहाँ पे आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाए आप वो वाले डिजिट वहाँ तक आप पुट कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने जस्ट वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ही पुट किया है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, टेकन n इज इक्वल टू 6, यानी जहाँ पे n है n की जगह पे हमने यहाँ पे 6 पुट कर लेना है। यहाँ पे हम 1/6 का फिक्टोरियल लेंगे ग्रेटर देन 8 की पावर हो जाएगी 6, 2/6 होल का फिक्टोरियल, यानी हम यहाँ पे 6 पुट करें और इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर होगी इस वाली वैल्यू से, तब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है विच इज़ ट्रू। आप इसकी पुटिंग करके आप चेक कर सकते हैं, अगर हम 6 पुट करते हैं तो फर्स्ट वाली हमारे पास जो वैल्यू होगी तो वो हमारे पास ग्रेटर होगी, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने टेक n इज इक्वल टू k, यानी पहले हमने n की जगह पे 6 पुट किया था, 1 पुट किया था, तो हमारे पास जो आंसर आया वो रॉन्ग हो गया। लेकिन जब हमने n की जगह 6 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास ट्रू है। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक n इज इक्वल टू k, यानी जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब ये देखें, ये हमारे पास है 1/k फिक्टोरियल, यहाँ पे 1/n था तो यहाँ पे हमने k पुट किया, 8^k 2k फिक्टोरियल, हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने n की जगह पे nk+1, नाउ वी वॉन्ट टू प्रूव दिस इज़ ट्रू फॉर, अगर ये हमारे पास k के लिए ट्रू है तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी
ट्रू होना चाहिए। तो हम इसे भी प्रूव करते हैं कि ये क्या ये हमारे पास के प्लस वन के लिए ट्रू है या नहीं है। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास के था वहाँ पे हमने के प्लस वन पुट किया, वन ओवर के प्लस वन फैक्टोरियल, 8 की पावर k+1 डिवाइडेड बाय 2 k+1 हॉल का फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे ये पुट किया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब आपने फैक्टोरियल का एक रूल पढ़ा होगा, 9th-10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि n फैक्टोरियल, जब भी हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n n-1 n-2 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसके फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस स्टेप में क्या किया, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2k, और फिर 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और इसका फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहाँ पे है k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जब हम k प्लस 1 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, अभी n का फैक्टोरियल खोला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हम k प्लस 1 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k प्लस 1 k फैक्टोरियल k माइनस 1 सो ऑन, इस तरह से, क्योंकि अब हमने यहाँ पे k प्लस 1 फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे k प्लस 1 k फैक्टोरियल राइट कर दिया। अब सेकेंड ये वाला देखिए, 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल, अब हमने इसका फैक्टोरियल ओपन करना है तो हमने यही वाला रूल को यूज़ करना है ना, तो हम सबसे 2k प्लस 2 फिर 2k प्लस 1 और लास्ट में 2k फैक्टोरियल, तो हमने इसकी जगह इसका फैक्टोरियल ओपन करके यहाँ पे ये राइट कर दिया। और 8 यहाँ पे देखें 8k प्लस 1, अब देखें यहाँ पे जो पावर में होते हैं उसे हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं, 8 की पावर एक तो k था और 8 की पावर 1 राइट करें या ना करें वो हमारी अपनी मर्जी होती है, वैसे मोस्टली हम नहीं राइट करते होते इसलिए हमने यहाँ पे 8 ही राइट कर दिया। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये ट्रू होगा। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि ये किस तरह से ट्रू होगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे था k प्लस 1, जो k प्लस 1 है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से, और यहाँ पे हमारे पास था 2k+2, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से, और 2k+1 ये भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी, इस वाली वैल्यू से वो ग्रेटर होगी, इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू प्रूव हो चुका है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसे ट्रू कहा है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू है 6 के लिए भी, k के लिए भी, और k प्लस 1 के लिए भी, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू प्रूव है। द इनइक्वालिटी 2, यानी जो हमने ऊपर इनइक्वालिटी कौन से वाली इनइक्वालिटी रखी थी, इनइक्वालिटी नंबर 2, ये देखें ये वाली इनइक्वालिटी 1 ओवर k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1, इसे हमने 2 का नाम दिया था। द इनइक्वालिटी 2 सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी जो हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी थी उसने हमारी तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई किया। Since the condition are satisfied, therefore the principle of mathematical induction, और ये हमारे पास इसने तमाम condition को हमारे satisfy किया, क्योंकि यही हमारे पास mathematical rule of induction है। The given inequality is true for all the integer, ये यानी जो हमारे पास ये inequality होगी ये true होगी तमाम integers से जो n के equal, n is equal to 6 या 6 से greater than हो। तो ये हमारे पास first question हमने prove किया मैथमेटिक रूल ऑफ इंडक्शन से। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव बाय द कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट 15 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमारे पास जो चीज गिवन है उसे हम उसके ऑपोजिट सपोज करते हैं और फिर उसे प्रूव कर देते हैं कि जो हमने सपोजिशन की थी कि वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी और जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन को यूज़ कर दैट अंडर रूट 15 इज़ अ इरेशनल नंबर, कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इफ पॉसिबल सपोज दैट अंडर रूट 15 इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। देन अंडर रूट 15 इज पी बाय क्यू, ये पी बाय क्यू के इक्वल है। वेयर आर इंटीजर प्राइम टू ईच अदर, यानी इसके जो इंटीजर प्राइम है वो ईच अदर क्यू और नॉट इक्वल टू जीरो, और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखें एक वर्ड यूज हुआ है इंटीजर प्राइम,
ये नहीं, इंटीजर में हमारे पास प्लस माइनस 1 2 3 4 ये सब आ जाते हैं, लेकिन इंटीजर प्राइम यानी जो ये वर्ड हो ये हमारे पास कोई ना कोई प्राइम नंबर हो, और क्यू जो है हमारे पास जो डिवीजन में क्यू है वो इक्वल ना हो जीरो के। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहले हमने सपोज किया कि 15 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, कि हमारे पास ये पी बाय क्यू के इक्वल है। अब देखिए पी बाय क्यू, क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने इसका स्केयर रूट ले लिया है। जैसे ही हमने स्केयर रूट लिया है बोथ साइड्स पे, तो ये हमारे पास 15 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, इसका हमने 1 का नाम दे दिया। पी इज डिवाइजिबल बाय 15, यानी पी जो है वो जो डिवाइजिबल है वो 15 का डिवाइजिबल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया है पी इज इक्वल टू 15 सी, यानी हमने पहले हम बोल रहे हैं कि पी हमारा 15 का डिवाइजिबल है, पी को हमने सपोज कर लिया पी इज इक्वल टू 15 सी। सी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, अब हम दोनों साइड पे स्केयर्स ले लेते हैं। जैसे ही हमने दोनों साइड पे स्केयर लिए तो ये हमारे पास आ गया है पी स्केयर इज इक्वल टू 225 सी स्केयर। अब देखिए जब 15 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास सी का स्केयर आ जाएगा। अब सब्सिट्यूट पी स्केयर, अब हमने पी स्केयर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। 15 क्यू स्केयर एज इट इज रहा, पी स्केयर की वैल्यू क्या थी 225 सी स्केयर। अब देखिए 15 को हम इधर से भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15। जब इसे हमने 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आया, 15 क्यू स्केयर इज इक्वल टू 15 सी स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया 15 सी स्केयर के इक्वल, यानी जो क्यू है वो डिवाइजिबल है 15 का। थस पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू जो हैं वो एक कॉमन फैक्टर हैं 15 के, विच इज कंट्राडक्शन टू आवर अजम्पशन दैट इज नो कॉमन फैक्टर देन 1। तो ये कॉमन फैक्टर है 15 के, जो हमने कॉन्ट्राडक्शन की थी उसमें हमारे पास कॉन्ट्राडक्शन टू आवर अजम्पशन, यानी जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था उसमें हमारे पास अजम्पशन आ गई, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट ऑफ 1। देयर फॉर अंडर रूट 15 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट 15 है वो रैशनल नंबर नहीं है। हेंस प्रूफ दैट अंडर रूट 15 इज इरेशनल नंबर, यानी यही हमारे क्वेश्चन था कि हमने प्रूव करना था कि अंडर रूट 15 एक इरेशनल नंबर है, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट पे पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।